हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यूटी ब्लॉग में। मैं ब्यूटी, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ब्लॉग है हमारा हमारे घर की हरियाली। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे घर का गेट है। अंदर हूँ तो ये घर से मैं घर के अंदर की हरियाली दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारे घर के मेन गेट पर ही सुरन का पौधा है। मेरी माता जी कहती हैं कि जब इसका पानी सूख जाता है तो इसको बनाने में गला कम काटता है। दोस्तों, आज का हमारा ब्लॉग है हमारे घर की हरियाली। हम लोग अपने घर में या फिर घर के छोटे से गार्डन में क्या रखते हैं, क्या नहीं रखते हैं, क्या लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही सब बताएंगे, दिखाएंगे कि हमारे घर में कौन कौन से पौधे हैं, कौन से पौधे नहीं हैं। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। तो देखिए आप लोग, कितना अच्छा है, हरियाली ही हरियाली है हमारे घर में। वो देखिए, हमारे पति देव घास निकाल रहे हैं, खेत लग रहा है कुड़ाई करेंगे। अभी कल परसों ही कह रहे थे कि अभी पालक लगाऊंगा, तो देखिए अभी लग रहा है कि सफाई कर रहे हैं। दो तीन दिन में मूली पालक लगाएंगे भी, बोएंगे भी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग ज़्यादातर सब्जी अपने घर में ही उगाते हैं, जो कि हमारे घर के अंदर हमारा इधर घर भी है और इसमें खेत भी है, तो हम लोग अपनी सब्जियाँ उगा ले। क्या जी, क्या कर रहे हैं? थोड़ा हाय करिए हमारे दोस्तों को, हमारे दोस्तों से भी बात करिए। देखिए देखिए थोड़ा इधर। हाय, नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम सब्जियां अपनी खुद की उगाते हैं, क्योंकि तो कोशिश करते हैं हम लोग कि जो भी हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें, तो ऑर्गेनिक तरीक़ों से हम लोग उगाएँ और उसको खाएँ। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि मेरा डाइजेशन काफ़ी ख़राब रहता है। तो डॉक्टर बोले कि कोशिश करो कि जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक तरीके से खाओ, और इसीलिए हम लोग जो है कि ट्राई करते हैं घर पे उगाने के लिए, उगाते भी हैं और उसको खाते हैं। देखिए दोस्तों, कितना पसीना हो रहा है, काफ़ी सारा पसीना हो रहा है। तो गर्मी बहुत है, मौसम गर्मी का है, ऊपर काफ़ी अच्छे बादल लगे हुए हैं, लेकिन बारिश पता नहीं कब होगी, कल होगी कि नहीं होगी। कल थोड़ी सी मौसम बना था पर बारिश नहीं हुई, और आज जो है कि बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो चलिए अभी इनसे बात करिए, आप दोनों के आगे बढ़िए और देखिए ये दिखाती हैं और क्या क्या। देखिए आप लोग, हमारे यहाँ तो इसको अरवी बोलते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर लोग अरबी का पत्ता ही कहते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हम इसका बनाएंगे रिकवच। हम लोगों के यहाँ रिकवच कहते हैं, आप लोगों क्या क्या कहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा अब हम इनका हेल्प कर दें, नहीं तो कहेंगे कि बस मैं ही उखाड़ रहा हूँ, ये वीडियो बनाने में मस्त हैं। तो थोड़ा सा हम भी हेल्प कर देते हैं घास उखाड़ने में। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जी। तो दोस्तों देखिए, मौसम बारिश का बना हुआ था, क्योंकि काफी बारिश हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छी बारिश हो रही है। देखिए आप लोग, बारिश इतनी अच्छी हुई है, इसमें थोड़ा पानी भी लग चुका है खेत में हमारे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ और अरबी के रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए, दुलार देते रहिए, कि मैं भी, मेरा भी उत्साह और बढ़े और मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के देती रहूँ। आपकी छोटी बहन ब्यूटी।